आगरा में अखिल भारतीय पत्रकार महासंघ के सदस्य पत्रकारों का हुआ सम्मान। ताजगंज स्थित नॉमिनेट पार्षद बबलू लोधी ने अखिल भारतीय पत्रकार महासंघ के सभी सदस्यों एवं पदाधिकारियों का किया सम्मान। सभी पत्रकारों के साफा पहनाकर पत्रकारों को किया सम्मान। बबलू लोधी ने पत्रकारों का उत्साह बढ़ाते हुए अखिल भारतीय पत्रकार महासंघ के सभी पत्रकारों की सराहना भी की। इस तरह के कार्यक्रमों से पत्रकारों में बड़ा उत्साह। किस तरीके का स्वागत रखा गया है? एक अभी दो दिन पहले 19 तारीख को कुछ लोगों ने नगर निगम में ज्ञापन दिया था, तो वहाँ ज्ञापन की जानकारी मिलने पर पत्रकार महासंघ के ही पत्रकार हमारे बंधु थे इस्लाम भाई, यहाँ आए और आकर उन्होंने जानकारी की। मुझे जानकारी होने के बाद मैंने, इस्लाम भाई हैं तो बहुत लोगों, जो कॉलोनी के लोग होते उनमें आपस में वाद विवाद हो रहा था, मैंने भी रोका, उनको भी रोका किसी कारणवश गलत फहमी से। हमारा और इस्लाम भाई का कहीं पहले से कोई जान पहचान नहीं थी, तो कोई बातचीत हुई उसके विषय में। फिर हम लोग कल संजय पैलेस में जाकर बैठे, तो बैठने के बाद सभी पत्रकार बंधुओं ने कहा कि हम घटनास्थल पर हम चलेंगे, तो सभी लोग आए। मैंने भी, मेरा भी सौभाग्य है कि आज सभी पत्रकार बंधु जितने भी आए हैं उनका स्वागत करने का मुझे मौका मिला है। ये पत्रकार महासंघ पूरा आगरा का है और मैं पार्टी का उपाध्यक्ष भी हूँ और पार्टी और महान और पार्षद भी हूँ, तो मेरा भी एक सौभाग्य है कि मेरा इनसे मिलने का मौका मिल गया। मेरा पत्रकार और राजनीतिक बंधुओं का तो हमारा चोली दामन का साथ रहता है और मैं आगे भी भविष्य में हमेशा यही प्रयास करूँगा किसी से भी मेरा किसी प्रकार का कोई भी मनमुटाव ना रहे और सभी से मेरा एक अच्छा आत्मीयता रिश्ता हमेशा बना रहे। सभी मेरे बड़े हैं, सभी मेरे छोटे भाई हैं, सभी मेरे दरवाजे पर आए हैं, मेरे घर आए हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं और आगे भी इनका हमेशा स्वागत करता रहूंगा। आपको कैसा फील हो रहा है पत्रकारों का स्वागत किया है? मैंने आज पत्रकारों का स्वागत किया है तो मैं अपना राजनीतिक 27 साल के जीवन में इतने बड़े पत्रकार महासंघ सभी लोग आए हैं तो मुझे बड़ा खुशी हुई है कि पहली बार मुझे इतने पत्रकार अपने भाइयों, छोटे भाई बड़े भाइयों के बीच में, जो मुझे उन्होंने, मैंने उनका स्वागत किया है लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने मेरा स्वागत किया है, तो मैं हमेशा उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ईश्वर उन्हें बहुत नई ऊँचाइयों पर ले जाए सबको और सच्चाई के रास्ते पर चलते रहें, आगरा के विकास में, आगरा के क्राइम रोकने में सबका सच्चाई के साथ में अपना उनका सहयोग करते रहें। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दिल में कैसे ख्याल आया कि हमें पत्रकारों को स्वागत करना चाहिए? मैं जब पत्रकार महासंघ के बीच देवेंद्र शुक्ला जी और कपिल गौतम जी के पास गया तो सभी पत्रकार बंधु मुझे मिले, तो इन्होंने मुझे कहा कि हम, आपकी कोई बात हुई? मैंने कि हाँ हुई, तो उसके विषय के बातचीत होने के बाद तो बोले कि हम आपके घर चलेंगे, तो मैंने सोचा एक बार को तो मुझे लगा, लेकिन फिर उसके बाद मुझे लगा कि इन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन दिया है कि मुझे, मैं अगर 10 दिन लगता कि सभी पत्रकार बंधु आएँ और इस पूरे पार्क को और मेरे यहाँ इस स्थान को देखें तब भी बेचारे ये नहीं आ पाते, लेकिन आज मेरे दिल और इनकी अंतरात्मा की आवाज़ के कारण ही यहाँ एकदम सब लोग आए, तो मुझे इतना फील हुआ है, इतना अच्छा लगा है कि मैं इसका दिल से, मैं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है मेरे इनका स्वागत करने पर, मेरा खुद स्वागत होने पर जो किया है, तो मैं इनके धन्यवाद के लिए मेरे पर शब्द कम पड़ते हैं। स्वागत किया गया किस जगह पे किया गया? ये स्वागत माधव कॉलोनी में, एक माधव पार्क के नाम से ये पार्क है, इसका पार्क का ये कॉलोनी 86 में आगरा विकास प्राधिकरण के द्वारा बनाई थी, फिर नगर निगम के टेक ओवर की गई, तो यहाँ कॉलोनी में एक सोसाइटी बनी हमारी माधव सोसाइटी के द्वारा, ये पार्क का घास हरियाली सारी पेड़ पौधे लगाए गए, उसके बावजूद आगरा नगर निगम अमृत योजना के तहत इसमें कुछ पार्क में अभी काम चल रहा है, ये फुटपाथ बना, कुर्सियाँ बनी और फुहारे लगे। हमारे कॉलोनी के जितने भी 22-25 घर की एक सोसाइटी है, उस सोसाइटी के द्वारा इसका सौंदर्यीकरण किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।